sou mesmo. देखिए मेरे सोने आंचल को, आपने अपने ही प्रसाद पुष्प से इसे भरा था, किंतु अब ये रिक्त हो गया। इसे पुनः भर दीजिए प्रभु। एक माँ की गुहार सुनिए। सदैव के लिए नहीं तो एक बार उसे दिखा दीजिए, उसे देख लूंगी तो मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिल जाए। माँ की ये करुण पुकार आपको अवश्य ही द्रवित कर देगी सोमेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी अहो भाग्य हमारे, जो हम ऐसे शुभ अवसर पर आए जब प्रभु राम का युवराज पद के लिए अभिषेक होना है। अब देखना यह है कि इस प्रसन्नता के अवसर पर हमें देखकर सब प्रसन्न होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे साथ ही हनुमान की विदाई अयोध्या से हो रहा है। चलिए देवी। राजकुमार श्री राम के लिए राजमुकुट लाया जाए। राम भले ही हो जाए तुम्हारा अभिषेक, किंतु मैं चुप नहीं बैठूंगी। राम 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 श्री राम 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 राम।
राज पुरोहित, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आरंभ करिए। प्रज्वलित करिए अग्नि को। किंतु लंकेश, आप ये मत कीजिए। आपके बिना राज पुरोहित, आपको जितना कहा जाए केवल उतना करिए। चिता को अग्नि लगाइए। लंकेश, ये कायरों का पाठ कब से सीख गए हो लंकेश? सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने की शक्ति रखने वाला लंकेश आज निर्बलों की तरह आत्मत्याग करने की सोच रहा है। तो आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? उस धूर्त नारायण को मैं अपनी मृत्यु का श्रेय दे दूं? सारा संसार उसके गुण गाए। ना गुरु रावण ये कदाई नहीं होने देगा। मेरी मृत्यु से छलिया नारायण को अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। परोहित, लंकेश, अपने दृष्टिकोण को उलट कर देखो। सोचो, रावण के कारण स्मरण किया जाएगा उस नारायण के अवतार। रावण नहीं तो नारायण भी नहीं। यदि उस नारायण के अवतार को परास्त कर दिया तो? किंतु ऐसा हो का रहा है गुरुदेव। शांत लंकेश, इसका भी हल है मेरे पास। हल? रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जितना महत्व प्रहार करने का है, उतना ही महत्व बचाव का भी है। यदि युद्ध में शत्रु को नहीं मार पा रहे तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि शत्रु भी तुम्हें नहीं मार पाए। किंतु ऐसा हो कैसे सकता है गुरुदेव? अमरता प्राप्त कर। अमरता? स्पष्ट कहिए गुरुदेव, अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है? अमृत पान के द्वारा। देवताओं ने समुद्र मंथन के समय छल से अमृत प्राप्त किया था, जबकि तुम राक्षसों का भी उस पर उतना ही अधिकार था। इसलिए छल या बल से किसी भी तरह अमृत प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, अमृत प्राप्त करना उतना सहज नहीं। सहज कार्य तो वैसे भी रावण को नहीं भाता गुरुदेव। आप केवल मार्गदर्शन करिए गुरुदेव के करना क्या है। आज अंतिम बार मुझे अपने हाथों से लड्डू नहीं खिलाओगे?
प्रभु, अंतिम बार मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो आपको प्रतिदिन लड्डू खिलाऊंगा। जाएंगे हनुमान को तो सुनो रावण, अमृत मंथन के पश्चात समस्त देवताओं एवं त्रिदेव ने मिलकर अमृत की सुरक्षा का दायित्व चंद्रदेव को सौंप दिया था, क्योंकि चंद्रदेव शीतलता प्रधान देवता है। चंद्रदेव, अमृत का रखवाला, वो क्या रखवाली करेगा अमृत की मुझसे? उसे तो स्वयं मैंने बंदी बना लिया था। इतने उतावले मत हो दशानन, पहले पूर्ण सत्य को जान लो। चंद्रलोक में किसी अज्ञात स्थान पर कड़ी सुरक्षा में अमृत को रखा गया है, जो दिव्य विद्युत तरंगों से रक्षित है। और उन विद्युत तरंगों के बाहर दैवीय शक्ति से सज्जित रक्षक उस स्थान की रक्षा कर। गुरुदेव, कोई रक्षक रक्षा नहीं कर पाएगा अमृत की। अमृत अब केवल रावण का होगा, केवल रावण का। रावण, समस्त देवता ही नहीं, त्रिदेव भी अमृत की सुरक्षा के लिए चंद्रदेव की सहायता हेतु आगे आ सकते। राहु की दुर्गति भी इसी कारण हुई। यदि अमृत पाना है तो एक कोई बड़ा कारण ढूंढना होगा तुम्हें। साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो अमृत प्राप्ति को लक्ष्य बनाना है तुम्हें। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, रावण को ज्ञात है कि उसको क्या करना है। वानर, अब तो तुझे जाना ही होगा यहाँ से। भरत भैया, वैद्यराज जी आ गए हैं। हनुमान भैया को ले जाएंगे क्या ये? प्रणाम महाराज दशरथ। प्रणाम। और आप सबको भी प्रणाम। प्रणाम। महाराज दशरथ और युवराज राम, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।
और शुभकामनाएं। अयोध्या में आपका स्वागत है वैद्यराज। हनुमान, मेरे सभी पापुत्र, मेरे सभी पापुत्र, वैद्यराज जी, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए। आज आपको हमारा आदर आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु हम तो रमता जोगी बहता पानी है, कहीं रुकते नहीं। हम तो केवल यहां हनुमान को लेने आए। हनुमान, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुत्र। वैद्यराज जी, क्या हनुमान कुछ और दिन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता? वैद्यराज जी, कुछ ही दिन तो हुए हैं हनुमान को यहाँ आए। वैद्यराज जी, हनुमान ने हम सबके हृदय में स्थान बना लिया है। कि कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। महारानी जी, हनुमान के लिए हनुमान की माँ मार्ग पर नेत्र टिकाए हुए प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। उनका एक एक पल कैसे कट रहा होगा, उनके विषय में भी तो कुछ सोचिए। हनुमान, आप ही मना कर दो ना जाने से। राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान को कि ना जाए। हाँ राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान भैया को कि ना जाए। हनुमान, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना कि सृष्टि परिवर्तनशील है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रकृति को जाने वाली शीत ऋतु का दुख नहीं है, आने वाली बसंत की प्रसन्नता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता ही सृष्टि का शास्त्र सत्य है। जैसे कल तुम कहीं और थे, आज यहाँ हो सकता है कल तुम यहाँ ना हो। किसी एक के लिए तुम अन्य सबके प्रति अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते हो। मैंने कहा था ना कि मैं सकता हूँ,
आकांक्षा से रहित मित्रता ही भक्ति है हनुमान। मैं जितना अपने परिवार का हूँ, प्रजा का हूँ और संसार का हूँ, उतना ही मैं तुम्हारा भी हूँ हनुमान। तुम क्यों मात्र किसी एक के साथ बंधे रहना चाहते हो? मैं क्या तुम्हें ही नहीं, सबको, सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रभु, हनुमान आपसे विलग कैसे हो सकता है? हनुमान, तुम मुझसे विलग कहाँ हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे हृदय में। तुम जब तक मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे अपने हृदय में पाओगे। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। हाँ हनुमान, मेरा वास है तुम्हारे हृदय में। Na na na.